नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2010 में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। फ्रेंड्स, 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे और 1977 में ही पहली बार कांग्रेस की हार हुई थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार कांग्रेस का भारत 1977 में, ये भी टर्म्स आपके एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मोरारजी देसाई किस पार्टी से बिलोंग करते थे। याद रखिएगा, जनता पार्टी से बिलोंग करते थे और जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1977 में ही, जनता पार्टी की स्थापना भी हुई थी। ये सब आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन टू, कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बैंक में सभी क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वारसा पैक्ट, जिसे आप वारसा संधि के नाम से भी जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उदारवाद। इसका सही आंसर आपका उदारवाद है, क्योंकि जो भूमंडलीकरण का विचारधारा होता है उदारवादी विचारधारा होता है। और फ्रेंड्स, आप याद रखोगे, भारत ने 1991 से 92 के बीच में ये उदारीकरण को अपनाया था। ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि कब भारत ने उदारीकरण को अपनाया था, तो 1991 से 92 के बीच में भारत ने उदारीकरण नीति को अपनाया था। और साथ साथ बहुत से देश थे जो विकास कर रहे थे, उन्होंने उदारीकरण की नीति को अपनाकर भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया था। तो ये सब आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उदारीकरण का मतलब आप लोग जानते ही हो कि क्या होता है, कि विदेशी पूंजी को पूर्ण उदारता के साथ अपने देश में निवेश की अनुमति प्रदान करना, निवेश करने के लिए सहमति देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा? तो भारत के प्रधानमंत्री ने ही कहा था। तो 4 का सही आंसर आपका हो जाएगा नेहरू जी ने। यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी का नारा किसने दिया? तो नेहरू जी ने। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति जो आया था, तो आप लोगों को पता ही होगा, एस.एम. स्वामीनाथन इसका इसमें दिया है सही आंसर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के जो हरित क्रांति लाने का श्रेय जो होता है, शिव सुब्रमण्यम को दिया जाता है। और जो आपके एस.एम. स्वामीनाथन जो वनस्पति विज्ञान के स्वामी माने जाते हैं, आप जो भी कहिए, तो इसका सही आंसर ऐसे अगर आपके ऑप्शन में क्या रहता है जो आपके रहते सुब्रमण्यम, तो सुब्रमण्यम इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये तो मैंने बहुत बार कराया है आपको क्वेश्चन। सही आंसर आपका इसका हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 6 वाले का सही आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, सभी को पता चल चुका होगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट। 7 क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो अभी देखिए, वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है। मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मेरा वीडियो आया है 500 पॉलिटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का, मैं सेट चला रहा हूं, उसमें मैंने इस क्वेश्चंस को डाला था। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके अभी एंटोनियो गुटेरेस जो है अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। जब 2010 में एग्जाम हुआ था उस टाइम जो थे आपके वान की मून थे, याद रखोगे। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो जो चिपको आंदोलन हुआ था, पेड़ बचाओ आंदोलन, जिसको आप नाम से जानते हो, जिसमें पेड़ को बचाया जाता था, तो उसी आंदोलन से आपके सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। और ये भी याद रखिएगा, चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में हुआ था। चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में हुआ था, 1973 में। ये सब टर्म्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ईस्वी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में भी ये सब आपकी हेल्प करेंगे। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप चैनल पे नए हो गए या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे हर एक वीडियो आप लोग को लाते रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, LTTE एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का आतंकवादी संगठन है? यही क्वेश्चन आपका कह रहा है, जो LTTE है एक आतंकवादी संगठन है, तो कहाँ का है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका का है। श्रीलंका का, जिसका फुल फॉर्म होता है LTTE का, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसे लिट्टे आप कहते हैं। तो ये आप काफी ज्यादा याद रखोगे, श्रीलंका का एक तरह से आतंकवादी संगठन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इसे आतंकवादी, मतलब आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है उसके। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन में ही कुछ फॉल्ट है, क्योंकि 1971 में परमाणु परीक्षण हुआ ही नहीं था। परमाणु परीक्षण जो आपका हुआ था 1974 में हुआ था, ये आप लोग याद रखोगे। तो परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, तो 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया?
तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा पोखरण में। पोखरण आपको पता है राजस्थान में है। तो 18 मई 1974 को भारत ने देश का पहला परमाणु विस्फोट कहां में किया था, तो पोखरण में किया था, याद रखोगे 18 मई 1974 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। इस क्वेश्चन में भी देखिए डाउट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन कहता है 11 का, आप याद रखिए, अच्छे से याद रखिए, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था फ्रेंड्स 1987 में। ये आप यहाँ पर टर्म को समझ लेना, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1987 में। लेकिन अगर क्वेश्चन कर दे गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना, तो गोवा को भारतीय संघ में विलय 19 दिसंबर 1961 में ही किया गया था, यानी उसको 1961 में ही भारतीय संघ में विलय कर लिया गया था। लेकिन जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1987 में, लेकिन ये इस ऑप्शन में आपको 1961 देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो इसका सही आंसर तो ऐसे जो लोग बनाए होंगे 2010 में तो यही दिए होंगे 1987, लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 30 मई 1987 को गोवा बना था, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन तथा दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था इसी दिन को, 23 मई 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 12, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 12 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1949 ईस्वी को, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी। नाटो का आप लोग जानते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन होता है, और नाटो की स्थापना जो हुई थी ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में इसकी स्थापना किया गया था। यह एक सरकारी सैन्य संगठन है, इसका मुख्यालय आपका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, तो ये भी आप लोग याद रखोगे, आपकी इसकी राजधानी भी पूछती है कि ये इसका मुख्यालय कहाँ में है, तो बताइएगा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 13, योजना आयोग कौन सा निकाय है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको योजना आयोग के बारे में बताया था दोस्तों कि योजना आयोग 2014 के पहले इसका योजना आयोग बनाया था, जिसका प्रधान जो होता था प्रधानमंत्री, लेकिन इसका धीरे धीरे नाम बदलकर अब कर दिया गया है नीति आयोग। 2014 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। तो ये जो था योजना आयोग आपका गैर संवैधानिक निकाय था, यानी कि इसका सही आंसर आपका 13 का सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कौन सा 13 का सही आंसर ऑप्शन बी में है आपका गैर संवैधानिक निकाय। तो ये सब आप लोग याद रखोगे, काफी ज्यादा ये सब इंपॉर्टेंट है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस आयोग के स्थान पर सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की सलाहकार निकाय नीति के आयोग का गठन कर दिया है, और 2014 से इस संस्था का नाम बदलकर कर दिया गया है नीति आयोग। तो ये आप लोग याद रखोगे। ये क्वेश्चन मेरा आप सभी से, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी नाटो में ये वीडियो में रिकॉर्ड करके आप लोग को दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करके बताना 12 का एक मतलब एक क्वेश्चन है आपके लिए, नाटो में अभी वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, नाटो में वर्तमान में अभी कितने सदस्य देश हैं बताइएगा आप लोग नीचे कमेंट करके। और पूरा आंसर लिखा है कि नाटो में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या इतनी है, जितना रहेगा उतना आप लोग बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 14, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 14 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा 1969 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इंदिरा गांधी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री बनी और पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस पार्टी से इन्हें निष्कासित कर दिया गया था और कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 15, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था। 2005 ईस्वी में मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, सोवियत संघ में के विभाजन के बाद रूस प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था, रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति सोवियत संघ के विभाजन के बाद आपके बने थे, ये आप लोग याद रखिएगा, एल्तिसिन जो थे 10 जुलाई 1991 को इन्हें रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 17, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है। मैंने आपको बहुत बार आसियान के बारे में बताया है, तो श्रीलंका जो है फ्रेंड्स वो आपका आसियान देश का सदस्य नहीं है, इंडोनेशिया फिलीपींस सिंगापुर ये सभी जो है हमारे आसियान देश के सदस्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो ये भी मैंने आपको करा रखा है ऑलरेडी, एओ ह्यूम, ये सभी क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। तो सोचिए अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो ये सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। 500 पॉलिटी का मोस्ट इंपोर्टेंट सेट वीडियो चल रहा है, उसे आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें सारे गेस क्वेश्चन आपके डाले हुए हैं। 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, तो 19 का सही आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी 10 सूत्री कार्यक्रम का लागू किए थे इंदिरा गांधी ने। नरेंद्र मोदी भी 10 सूत्री लाए हैं,
लेकिन एट द टाइम जिस टाइम इस क्वेश्चन को प्रिंट किया गया है वो आप लोग, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। नेक्स्ट है 20 नंबर, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम है। तो 1977 में जब 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी उस समय जो थे इंदिरा गांधी का राज शासन चलता था, और जो हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति का नाम है वो तो आप लोग को पता ही होगा 20 का। तो तत्कालीन राष्ट्रपति फरखुल्लू फंदु आपके थे, क्या है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इसका डी आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई। तो 6 दिसंबर 1992 को जो हमारा राम अयोध्या मंदिर विवाद है आप लोग याद रखिएगा 1992 को ही हुआ था, 6 दिसंबर 1992 को, तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, ऑप्शन बी द राइट आंसर, राम अयोध्या मंदिर जो अभी बन रहा है। नेक्स्ट हमारा, और ये जो वोट का तो बहुत बड़ा मुद्दा ही है राम अयोध्या मंदिर, जब भी वोटिंग आएगा उत्तर प्रदेश में तो ये मतलब उत्तर प्रदेश या सेंटर में भी है, जो आपकी केंद्र सरकार में भी इलेक्शन का टाइम आता है तो ये मुद्दा बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही चर्चित मुद्दा था, अब तो इसकी फैसला हो चुकी है लगभग। 22 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 22 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि शीत युद्ध ऐसा था, शीत युद्ध जिसमें केवल विचारों की होर थी, तो ये भी सही है। अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा भी थी, निःशक्तिकरण की ओर थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है, तो अमेरिका सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित था, सीधे सीधे सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 23, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट कर गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी होगी, यहाँ पर कैसी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 24 नंबर, गुट निरपेक्षता का अर्थ है, तो गुट निरपेक्षता का अर्थ आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि आप लोग जानते हो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, सब लोग जानते हैं कि उसमें कोई भी गुट में शामिल नहीं होना, यानी ऑप्शन भी आपका सही आंसर हो जाएगा, विश्व के किसी भी गुट में शामिल ना होना, ये तो शामिल होना ये नहीं होगा, तो ऑप्शन भी आपका सही आंसर है। और 23 तो मैंने आपको बता ही दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसे नहीं होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत में समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण चलता है, इसलिए यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। मैंने आपको बताया था संपूर्ण क्रांति का नारा इंदिरा गांधी के विरोध में जयप्रकाश नारायण ने दिया, तो जहां पर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है तो रिपीटेड है। नेक्स्ट है 26, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है, ये भी मैंने आपको बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है, इनका जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आप लोगों को पता ही होगा बना ही है। 27 है हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके कौन थे जी, तो बिल्कुल सही, इसमें बताने वाली बात नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये भी मैंने आपको करा दिया है ऑलरेडी, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। सभी क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, बार बार ये सभी क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, तो काफी ज्यादा आप लोग माइंड में इसे सेट कर लोगे ये सभी क्वेश्चंस को। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को एक बार जरूर से जरूर बोलिएगा कि चैनल पर आकर थोड़ा वीडियो को देखें, अगर उनको अच्छा लगे तो वो भी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेंबर होंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा भी पहुंच सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ, तो बीजेपी नहीं सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा था, नहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का कब जन्म हुआ था, तो 1885, बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत पुरानी, 28 दिसंबर 1885 को ही मतलब बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट है, इस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंसिल का उल्लंघन किया, तो पंसिल भाई बनाया कौन था, पंसिल बनाया कौन था, चीन ने उल्लंघन किया, चीन पंचशील जो था वो भारत और चीन के बीच में ही था, तो चीन ने कहा कि आक्रमण करके बोलता है कि क्या किए हैं, भारत ने पंसिल का उल्लंघन किया, लेकिन होता है क्या है यहाँ पर जो देखने को मिलता है कि चीन ही क्या करता है, आक्रमण कर देता है, बोलता है कि आपने पंसिल समझौता का उल्लंघन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 31, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया, तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखोगे, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, जो ये थे पाकिस्तान के थे और इंदिरा गांधी हमारे यहाँ भारत की थी। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और गरीबी हटाते हटाते इन्होंने गरीबों को ही हटा दिया, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था और गरीबी हटाते हटाते इन्होंने गरीबों को ही हटा दिया था, तो याद रखिएगा 32 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33,
और इन्होंने एक ये जो नारा था 1971 में जो चुनाव हो रहा था ना, तो 1971 के चुनाव में इस नारा का उपयोग किया था लोगों को वोट लेने के लिए कि वोट लेंगे जीत जाएंगे। और उनके बेटा भी जो थे, बेटे ने भी बाद में इस नारा का यूज किया। 33 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ। स्टालिन संविधान जो लागू हुआ था फ्रेंड्स, ये 1936 में लागू हुआ था, आप लोग याद रखोगे। 33 का सही आंसर 1936 होने वाला है जी। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था, अच्छा आप लोग इसका बताइए। 33 का तो ऑप्शन ही मुझे रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि इसके संसद का नाम सुप्रीम सोवियत ऑफ द यूएसएसआर रखा गया है। तो ये मैंने आपको पढ़ा भी था, मैंने आपको शायद बताया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन स्टालिन संविधान कब लागू हुआ आप लोग कमेंट करके बताना। 33 का नेक्स्ट है 34, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में हुई थी, यहाँ पर करा यूरोपीय संघ की स्थापना। अब आप लोग समझिए इसका आंसर, यूरोपीय आर्थिक समुदाय यहाँ पर रहता तो 1957 होता, और यहाँ पर अब ऑप्शन ही नहीं है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 35, डक्चेस यानी सार की स्थापना कब हुई। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी करा भी दिया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नहीं होगा। 35 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, 8 दिसंबर 1985 को डक्चेस की स्थापना हुई थी, कहां में, तो बांग्लादेश ढाका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 36, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ। तो ये कौन भूल सकता है, बच्चा बच्चा को याद है, मैंने इस पर मतलब फिल्म ही देखा है। तो 36 का सही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला किया था, विमानों को क्या कर दिया था, तो पकड़ लिया था। 37 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारत का वायु प्रदूषित नगर है। तो भारत का वायु प्रदूषित नगर अगर इसमें बोलता कि सबसे ज्यादा प्रदूषित नगर, तो हम लोग किसी एक ऑप्शन को चूज करते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है भारत का वायु प्रदूषित नगर, तो सभी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। तो राज्य हम लोग बिहार में रहते हैं, तो बिहार सिंपल सी बात है, बिहार राज्य, इसमें राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, देश है नेपाल राष्ट्र संघ। नेक्स्ट है 39, छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। छात्र आंदोलन की शुरुआत बिहार गुजरात यही सब जगह से हुई थी, तो बिहार इसमें सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ, तो ये आप लोग याद रखना, 7 दिनों तक चलने वाला ये ऑपरेशन विजय था, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, 26 जुलाई को इसका अंत हो गया था। तो आप लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखोगे, सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अहम भूमिका रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं साथियों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा मेहरबान होइएगा तो साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।